चलो कौन साइक्लिक पॉइंट्स, यहाँ पे देखो मैंने फिगर बना के रखे लो, ये सर्कल है, ये सर्कल पे मैंने एक पॉइंट लिया ए, एक पॉइंट बी, एक पॉइंट सी और एक पॉइंट डी। कौन साइक्लिक पॉइंट किसको बोलते मालूम? चार या चार से ज्यादा पॉइंट अगर सर्कल पे आएंगे तो वो पॉइंट को बोलेंगे कौन साइक्लिक पॉइंट। कौन साइक्लिक पॉइंट किसको बोलते हैं? कौन साइक्लिक पॉइंट वो है जो सर्कल के ऊपर आती है। कौन साइक्लिक पॉइंट्स आर द पॉइंट्स लाइंग ऑन द सर्कल। कौन साइक्लिक पॉइंट्स आर द पॉइंट्स लाइंग ऑन द सर्कल। डेफिनेशन अगर कौन साइक्लिक पॉइंट का बनाने का है तो फोर और मोर पॉइंट्स, फोर और मोर पॉइंट्स, चार से ज्यादा पॉइंट्स आर सेट टू बी कौन साइक्लिक। उन लोग को कौन साइक्लिक कब बोलेंगे? इफ दे लाई ऑन द सेम सर्कल। मेरा मेन इंटेंशन क्या है तुम लोग को बताने का कि कौन साइक्लिक पॉइंट किसको बोलते हैं। कौन साइक्लिक पॉइंट उसको बोलते हैं वो पॉइंट जो सर्कल पे लाई होते, जो सर्कल पे आते, वो पॉइंट चार या चार से ज्यादा। क्यों मैं चार या चार से ज्यादा बोल रहा हूं, मैं तीन पॉइंट क्यों नहीं बोल रहा हूं? तो देखो तीन पॉइंट से ट्राइंगल बनता है। अगर मैं तीन पॉइंट को जोड़ दूंगा, समझो मैं ए बी सी को जोड़ दूंगा, तो ए बी सी को जोड़ दूंगा तो क्या बन जाएगा? ट्राइंगल। ए बी सी को जोड़ दूंगा तो क्या बन जाएगा? ट्राइंगल। और याद रखो ट्राइंगल कोई भी ट्राइंगल हो, ट्राइंगल पे से क्या पास होता है? सर्कल। ट्राइंगल पे से क्या पास होता है? सर्कल। तुम लोग ये नाइन्थ स्टैंड में सर्कल के अंदर सर्कम सर्कल बनाए ना, कोई भी ट्राइंगल आता था, चाहे इक्विलेटरल ट्राइंगल आता था, आइसोसेलेस ट्राइंगल आता था, स्केलिन ट्राइंगल आता था, एक्टिव एक्यूट एंगल ट्राइंगल आता था, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल आता था, कोई भी ट्राइंगल आते थे, तुम लोग सर्कम सर्कल बनाते थे ना, तो ट्राइंगल के ऊपर क्या जाता है? सर्कल जाता है। ट्राइंगल पे से सर्कल पास होता है। लेकिन चार या चार से ज्यादा पॉइंट रहेगी उसमें से सर्कल पास हो भी सकता, पास नहीं भी हो सकता। अगर पास हो गया, अगर चार या चार से ज्यादा पॉइंट पे से सर्कल पास हो गया तो वो चार या चार से ज्यादा पॉइंट को क्या बोलेंगे? कौन साइक्लिक पॉइंट। इसके लिए देखो स्टेटमेंट ऐसी है, फोर और मोर पॉइंट आर सेट टू बी कौन साइक्लिक इफ, इफ यानी क्या? अगर दे लाई ऑन द सेम सर्कल। इफ दे लाई ऑन द सेम सर्कल मतलब बोलने का मतलब क्या, वो चार या चार से ज्यादा पॉइंट सर्कल पे आ भी सकते और नहीं भी आ सकते, समझ गए? लेकिन अगर तीन पॉइंट रहेंगे, तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट, तो तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट से ट्राइंगल बनता है और ट्राइंगल पे से तो सर्कल पास होता है। लेकिन चार या चार से ज्यादा पॉइंट पे से सर्कल पास हो भी सकता है, पास नहीं भी हो सकता है। अगर चार या चार से ज्यादा पॉइंट पे से सर्कल पास हो गया तो बोल देंगे कि वो चारों पॉइंट कौन है? कौन साइक्लिक पॉइंट। कौन साइक्लिक पॉइंट, समझ में आ गया? कौन साइक्लिक पॉइंट किसको बोलते हैं? अगर मैंने ये चारों पॉइंट को जोड़ दिया, ए बी बी सी सी डी ए डी, तो ये ए बी सी डी कौन है? साइक्लिक कोऑर्डिनेटरल। पहले तो मैंने क्या बताया कौन साइक्लिक पॉइंट, चार या चार से ज्यादा पॉइंट अगर सर्कल के ऊपर है, अगर चार या चार से बहुत ज्यादा पॉइंट सर्कल पे है तो वह कौन साइक्लिक पॉइंट। अगर मैंने कौन साइक्लिक पॉइंट की चारों पॉइंट को मैंने जोड़ दिया तो वो क्या बन जाएगा? साइक्लिक कोऑर्डिनेटरल। क्या बन जाएगा? साइक्लिक कोऑर्डिनेटरल। अगर ये साइक्लिक कोऑर्डिनेटरल है तो चारों वर्टाइसेस कहां पे है? ऑन द सर्कल। चारों वर्टाइसेस कहां पे? ऑन द सर्कल। और ये चारों वर्टाइसेस कौन है? कौन साइक्लिक पॉइंट। ये ए बी सी डी क्या है? कौन साइक्लिक पॉइंट। मेरा मेन इंटेंशन क्या है तुम लोग को ये टॉपिक में बताने का कि कौन साइक्लिक पॉइंट किसको बोलते हैं। अगर तुम कौन साइक्लिक चारों पॉइंट को जोड़ देंगे तो वो बनता है साइक्लिक कोऑर्डिनेटरल, समझ आ गया? अगर सर्कल है, सर्कल के ऊपर चार पॉइंट है, देखो ये सर्कल है, सर्कल के ऊपर चार पॉइंट है, तो ये चारों के चारों पॉइंट कौन है? कौन साइक्लिक, कौन साइक्लिक पॉइंट। अगर ये कौन साइक्लिक पॉइंट है, अगर मैंने जोड़ दिया तो ये क्या बन गया? साइक्लिक कोऑर्डिनेटरल। यानी कौन साइक्लिक पॉइंट से क्या बन सकता है? साइक्लिक कोऑर्डिनेटरल। अगर ये साइक्लिक कोऑर्डिनेटरल है, ये चारों वर्टाइसेस कौन है? कौन साइक्लिक पॉइंट, कौन साइक्लिक पॉइंट।
अगर कोई भी सम आया और तुम लोग को बोलेंगे कि कौन साइक्लिक पॉइंट प्रूफ करो, क्या बोलेंगे? कौन साइक्लिक पॉइंट प्रूफ करो, प्रूफ करो, प्रूफ। अगर तुम्हारे को कोई भी सम आया, कोई भी सम आया और तुम्हारे को बोलेंगे कि ये पॉइंट को प्रूव करो कि कौन साइक्लिक पॉइंट है, तो तुम लोग क्या करेंगे? एक मेथड है ये पॉइंट को तुम लोग को प्रूफ करने का कि कौन साइक्लिक पॉइंट है, तो तुम लोग क्या करेंगे? एक मेथड क्या है? एक मेथड मैं बोल रहा हूं, एक मेथड यानी दूसरा मेथड भी हो सकता है, दूसरा मेथड बाद में बताऊंगा। एक मेथड वो है, हम लोग क्या करेंगे? कोऑर्डिनेटल फॉर्म करेंगे बाय जॉइनिंग दिस ऑल फोर पॉइंट, समझ है? अब फिर प्रूव करने का कि ये कोऑर्डिनेटर कौन है? साइक्लिक। ये कोऑर्डिनेटर क्यों साइक्लिक है? क्योंकि चारों पॉइंट कहां पे? ऑन द सर्कल, चारों पॉइंट ऑन द सर्कल पे, इसके लिए ये है साइक्लिक कोऑर्डिनेटर। अगर ये साइक्लिक कोऑर्डिनेटर है, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, सबके सब पॉइंट क्या हो जाएंगे? कौन साइक्लिक पॉइंट, समझ आए? तो कभी भी कौन साइक्लिक पॉइंट बोलेंगे बनाने के, प्रूफ करने बोलेंगे, कभी भी तुम लोग को बोलेंगे कि प्रूफ करो कि ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट कौन साइक्लिक पॉइंट है, तो तुम्हारी ड्यूटी क्या है? पहले तुम लोग क्या करेंगे? कोऑर्डिनेटर फॉर्म करेंगे बाय जॉइनिंग ऑल दिस फोर पॉइंट। जॉइन कर दिए, फिर तुम लोग उन लोग को प्रूव करके बताएंगे कि ये कौन है? साइक्लिक कोऑर्डिनेटर। कैसे बताएंगे साइक्लिक कोऑर्डिनेटर है? कि ये चारों पॉइंट कहां पे आ रहा है? ऑन द सर्कल, सो इट इज अ साइक्लिक कोऑर्डिनेटर। अब ये साइक्लिक कोऑर्डिनेटर है तो उसके चारों वर्टाइसेस कौन है? कौन साइक्लिक पॉइंट, कौन है? कौन साइक्लिक पॉइंट। चलो, ये एक मेथड तुम लोग को समझ में आ गया। अब दूसरा मेथड क्या, कौन साइक्लिक पॉइंट कैसे साबित करें? अनदर मेथड, हम लोग कैसे प्रूव करेंगे, कैसे प्रूव करेंगे कि वो जो चार पॉइंट है कौन है? कौन साइक्लिक पॉइंट। चार पॉइंट कौन है? सर क्या, कौन साइक्लिक पॉइंट, चारों पॉइंट कौन है? कौन साइक्लिक पॉइंट। तो कैसे प्रूव करेंगे? देखो अनदर मेथड, ये बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है। यहां पे ध्यान दो, यहां पे देखो चार पॉइंट, ये पॉइंट एक है, ये दूसरी पॉइंट, ये तीसरी पॉइंट और ये चौथी पॉइंट। ये पॉइंट का नाम है पी, ये पॉइंट का नाम क्यू, ये पॉइंट का नाम आर, ये पॉइंट का नाम एस। अब ये अनदर मेथड है जो मैं क्या बताऊंगा कि ये पॉइंट कौन सी पॉइंट है, कौन साइक्लिक पॉइंट। देखो मैं कैसे बताऊंगा कि ए आर द पॉइंट कौन साइक्लिक, यस कौन साइक्लिक है, लेकिन कैसे इफ, अगर ये कौन साइक्लिक है, इफ पी क्यू आर एंड एस आर कौन साइक्लिक, देन देखो मैं बता रहा हूं, अगर उन लोगों ने क्वेश्चन में बोल दिए, मैं तुम लोगों को क्या बताना जा रहा हूं, कौन साइक्लिक पॉइंट है या नहीं है। समझो क्वेश्चन में बोले उन लोगों ने कि ये चारों पॉइंट कौन है, कौन साइक्लिक है, चारों पॉइंट कौन है, कौन साइक्लिक। मैं प्रूफ क्या करना बता रहा हूं, कौन साइक्लिक पॉइंट है या नहीं है। मेरी ये वीडियो में मैं क्या बताना चाह रहा हूं कि कौन साइक्लिक पॉइंट है या नहीं है। फिलहाल इसके अंदर मैं क्या बता रहा हूं, इसके अंदर क्या बता रहा हूं, इसके अंदर क्या बता रहा हूं, ये चारों पॉइंट कौन साइक्लिक है। मैं ये क्वेश्चन में क्या बोल रहा हूं, ये एग्जांपल के अंदर मैं बोल रहा हूं कि फिलहाल ये चारों पॉइंट कौन है, कौन साइक्लिक। फिलहाल इफ पी क्यू आर एस कौन साइक्लिक पॉइंट है, समझो मैंने एक एंगल बनाया पी क्यू को जोड़ के, पी से क्यू को जोड़ा और क्यू से एस को जोड़ा। वॉट टाइप ऑफ एंगल इज दिस? बोथ द आर्म आर सेकेंड, वर्टेक्स इज ऑन द सर्कल। तो पी क्यू एस कौन है? इंस्क्राइब एंगल। और उसकी इंटरसेप्टेड आर्क कौन है? पी एस। उसी तरीके से अब मैं किसको ज्वाइन कर रहा हूं, पी आर और आर एस, पी आर और आर एस, है ना? तो एंगल बना पी आर एस, विच टाइप ऑफ एंगल इज दिस? इंस्क्राइब एंगल। क्योंकि आर पी एंड आर एस, आर पी एंड आर एस दोनों आर्म कौन है? सेकेंड। एंड वर्टेक्स कहां पे? ऑन द सर्कल। और इसके सामने कौन सी आ गए? इंटरसेप्टेड आर्क। तो मैंने तुम लोग को कोरोलरी बताया लो साइक्लिक कोऑर्डिनेटर की, मालूम है ना? एंगल इंस्क्राइब्ड इन द सेम आर्क आर कॉन्ग्रुएंट, यानी ये एंगल
और ये एंगल क्या हो जाएगी, कॉन्ग्रुएंट। एंगल पी क्यू एस इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल पी आर एस, और रीजन क्या रहेगा, एंगल इंस्क्राइब इन द सेम आर्क आर कॉन्ग्रुएंट। यानी अभी तुम लोग ने क्या सीखे, अगर कॉन्साइक्लिक पॉइंट है, अगर चारों पॉइंट कॉन्साइक्लिक पॉइंट है और तुमने ऐसे एंगल बना दिए, तो ये एंगल और ये एंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट। ये एंगल कॉन्ग्रुएंट। यानी इफ PQRS आर कॉन्साइक्लिक, तो एंगल जो बनेंगे PQS एंड PRS कॉन्ग्रुएंट रहेंगे, क्या रहेंगे, कॉन्ग्रुएंट। उसी तरीके से ये एंगल और ये एंगल भी क्या रहेगा, कॉन्ग्रुएंट। एंगल QPR इज कॉन्ग्रुएंट टू QSR, क्योंकि दोनों के सामने कौन सी इंटरसेप्टेड आर्क आ रही, QR, इंस्क्राइब एंगल के से। ओके, मैंने क्या बोला क्वेश्चन में, अगर इन लोग कौन है, कौन साइक्लिक पॉइंट है, तो तुम लोग बता सकते हैं ये एंगल कॉन्ग्रुएंट, ये इंस्क्राइब एंगल और ये इंस्क्राइब एंगल कॉन्ग्रुएंट। समझ आ गया, समझो मैंने एक लाइन ड्रॉ करा जो PS से पास हो रहा है, मैंने एक लाइन ड्रॉ करा जो किधर से पास हो रही है, PS के पास से पास हो रही है, तो PS के सामने जो एंगल फॉर्म हो रहा है, फॉर्म हो रहा है ना, फॉर्म को ज्योमेट्री में बोलेंगे सबटेंड, SUBTENDS, सबटेंड यानी फॉर्म होना। ये लाइन PS के सामने कौन सा एंगल आ रहा है, PQS, और ये PS के सामने कौन सा एंगल आ रहा है, PRS। समझ गए, तो ऐसी कोई लाइन रहेगी ना, ऐसी कोई लाइन रहेगी, ये लाइन के सामने जो एंगल फॉर्म हो गए वो दोनों एंगल क्या रहेंगे, कॉन्ग्रुएंट। दोनों एंगल क्या रहेंगे, कॉन्ग्रुएंट। समझ गए ना, उसी तरीके से अब मैं इसका उल्टा कर दिया, इफ मैंने उल्टा कर दिया, कन्वर्स कर दिया ना, अब मैंने इसका उल्टा कर दिया, इफ एंगल PQS इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल PRS, देखो मैंने ऐसे फिगर बनाया, इसके जैसे फिगर बना रहा हूं, विदाउट सर्कल बना रहा हूं, ये लाइन P और ये लाइन S, मैंने क्वेश्चन में बोल दिया हूं, क्वेश्चन में क्या बोल रहा हूं, इफ एंगल PQS इज कॉन्ग्रुएंट टू PRS, एंगल PQS इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल PRS, अगर ये एंगल कॉन्ग्रुएंट है, PQS के सामने कौन सी लाइन है, PS, और PRS के सामने कौन सी लाइन है, PS, यानी PS के सामने कौन सा एंगल फॉर्म हो रहा है, PQS, PS के सामने सेम साइड पे और कौन सा एंगल फॉर्म हो रहा है, PRS, सेम साइड यानी इसके ये साइड, अपोजिट साइड बोले तो आमने सामने, PS के ये साइड PQS भी आ रहा है एंगल, PS के यही वाले साइड PRS भी आ रहा है, और दोनों एंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट, दोनों एंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट। तो हम लोग बोल देंगे डायरेक्ट के PQRS कौन है, कॉन्साइक्लिक, देन पॉइंट्स PQR and S आर कॉन्साइक्लिक। समझ आ गया ना, आए समझ में, अगर कॉन्साइक्लिक है तो ये लाइन के इधर से ये एंगल कॉन्ग्रुएंट, क्योंकि ये कॉन्साइक्लिक है, अभी पता नहीं है कि ये कॉन्साइक्लिक है कि नहीं, दिस इज द अनदर मेथड, मैंने बोला ना दूसरा मेथड, वो दूसरा मेथड ये, क्या तुम्हारे को सर्कल दिख रहा है, क्या नहीं, यहां पे सर्कल नहीं दिख रहा है, तुम्हारे को एक लाइन दिख रही है और लाइन के सामने एक एंगल आ रहा है PQS, और यही लाइन के सेम साइड पे एक एंगल आ रहा है PRS, सबटेंड फॉर्म, सबटेंड यानी मतलब क्या, फॉर्म हो रहा है, PQS एक फॉर्म हो रहा है और एक कौन सा एंगल फॉर्म हो रहा है, PRS, और उन्होंने क्वेश्चन में बोल देंगे कि ये दोनों एंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट। अगर ये दोनों एंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो हम लोग बोल देंगे PQRS इज अ कॉन्साइक्लिक, अगर ये कॉन्साइक्लिक है तो इसके ऊपर से क्या पास होता है, सर्कल, क्योंकि तुम लोग ने सीखे है ना, तुम लोग ने सीखे फोर और मोर पॉइंट अगर पास लाई ऑन द, तो उन लोग को क्या बोलेंगे, कॉन्साइक्लिक पॉइंट। और अभी तुम लोग ने बोले अगर कॉन्साइक्लिक पॉइंट है तो
तो ये एंगल कॉन्ग्रेंट, अगर ये एंगल कॉन्ग्रेंट तो ये क्या रहेगा, कौन साइक्लिक पॉइंट। समझ में आ गया? तो तुम लोग कौन साइक्लिक पॉइंट किसको बोलते हैं, समझ में आ गया? अभी मैं जो दूसरी वीडियो में रहेगी सम बेस्ड ऑन कौन साइक्लिक पॉइंट करेगी, समझ में आ गया? कौन साइक्लिक पॉइंट के लिए फिगर समझ में आया, ऐसी देगी। ओके फिनिश्ड।